अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर जी बोलिए बोलिए। वालेकुम सर, ये फिजिकल मेजर समझ में नहीं आया था। लास्ट पॉइंट जो है ना, इसका कंट्रोलिंग का, इसका सबसे लास्ट पॉइंट समझा दें, फिजिकल मेजर्स का। फिजिकल मेजर्स का मतलब ये होता है बेटा कि आप टैक्स मेजर्स लेना, कि किस चीज पर कितना टैक्स लगाना है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल फिजिकल मेजर। इसमें आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई किसी चीज पर ज्यादा टैक्स लगाना है या कम टैक्स लगाना है। उससे बेसिकली आप ये डिसीजन लेते हैं कि अगर ज्यादा या कम टैक्स लगाना है, उससे फायदा ही होता है कि बिफोर इम्पोजिंग टैक्सेस आपको जो है ना थोड़ा देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि जब आप टैक्स लगाएं तो उल्टा बजाय टैक्स लगाने से फायदे की जगह पर नुकसान हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं वो रेवेन्यू को ज्यादा करने के लिए, लेकिन उल्टा रेवेन्यू कम ना हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, टैक्स जब आप लगा रहे हैं तो उसकी वजह से बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाए, बेरोजगारी ना बढ़ जाए, इन तमाम चीजों को देखते हुए टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये फिस्कल मेजर होता है। अच्छा खैर, ये देखें, ये कैपिटल मार्केट नहीं पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, मैंने क्या मैंने पढ़ा था कैपिटल मार्केट, शायद छुड़वा दिया था मैंने। हाँ, नहीं पढ़ाया नो सर, सर, ये कौन सा चैप्टर है सर? कॉजेज ऑफ नो, ये इन्फ्लेशन नहीं मैंने पढ़ाया था ना पढ़ाया सर। आपको, पहले कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाया था, फिर आपको मैंने ये पढ़ाया था हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल। कंट्रोल एंड चैप्टर मेजर तक पढ़ा दिया था। ये आ गया ना, फिस्कल मेजर्स, ठीक है। यस सर, सर ये नहीं पढ़ाया कैपिटल। तो आज बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज के टॉपिक जरा अहम सर है, मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन आज के टॉपिक का नाम है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इन अ सिंपल वर्ड्स, कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजिबल गुड्स लाइक प्लांट्स, टूल्स एंड मशीनरी, एंड इनटेंजिबल गुड्स लाइक हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक ट्रेडिशन एंड रिसर्च। अच्छा, इसके बाद ही मैं मैनेजमेंट की क्लास ले लूंगा, तो मैनेजमेंट की क्लास इसके बाद होगी अभी ना, तो उसके लिए भी तैयार रहे आप सर लोग। कल नहीं होगी तो आज ही ले लेता हूँ मैनेजमेंट की क्लास, क्या कहते हैं आप लोग, फिर कल ऑफ? कल ऑफ? सही है। ठीक है सर, कैपिटल ले फॉर्मेशन लें सर। कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजिबल गुड्स लाइक प्लांट्स, टूल्स, मशीनरी एंड इनटेंजिबल गुड्स लाइक हाई स्टैंडर्ड सर ऑफ अभी एजुकेशन। कौन से सब्जेक्ट? इस वक्त हम पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। कैपिटल फॉर्मेशन की दो खास बातें हैं, जिस तरह कंट्रोलिंग है मैनेजमेंट के अंदर वो भी ऐसा ही है, और छोटा सा टॉपिक है और अक्सर और बेशतर वो क्वेश्चन पेपर में अपनी जगह रखता है। इसी तरह कैपिटल फॉर्मेशन भी आप देखेंगे बहुत सारी सर में ये आया हुआ है, और ये छोटा सा टॉपिक है और ये आता भी है पेपर में, तो इसकी इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है। जी, पेज नंबर बताइएगा प्लीज। पेज नंबर देखें, आई कैन नॉट से एनी पेज नंबर, बट आई नो कि ये इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में होगा, फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में होगा, उसमें इन्फ्लेशन भी उसी में होगा, ये भी उसी में होगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। पेज नंबर तो आपको देखना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन है जरूर आपके पास, लास्ट में कहीं होगा, आखिरी के सेक्शन में होगा, ईडीबी के नोट्स में, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज द इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक टेंजिबल और दूसरी इनटेंजिबल। अच्छा, क्या किसकी जरूरत होती है, टेंजिबल की या इनटेंजिबल की? तो इसका आंसर है कि दोनों तरह की हमें जरूरत होती है, हमें कभी टेंजिबल की जरूरत होती है तो कभी इनटेंजिबल की जरूरत होती है। टेंजिबल की हमें जरूरत कब होती है? टेंजिबल की हमें जरूरत जब होती है, लाइक जब हमें मशीनरी, टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इनटेंजिबल की जरूरत कब होती है? इनटेंजिबल की हमें जरूरत होती है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। इनटेंजिबल एजुकेशन नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह से होती है, टेंजिबल में सब मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, इनटेंजिबल में सेंस आता है, एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, ठीक है। अच्छा,
domestic capital formation domestic capital formation would include not only addition to constructions, equipments and inventories within the country but also other expertise except those necessary to sustain output at existing level. It include outlays on education, recreation and material luxuries and that contribute to great health and productivity of the individuals and all expenditures by society that serve to raise the morale of employed population. ठीक है जी, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि बेसिकली जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है दो तरह से होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया, ठीक है ना। अच्छा, ये अलग अलग डेफिनेशन है, तो कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन साहब ने सिर्फ एक ही करनी है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, साथ साथ आप भी अपने पास नोट करते जाइएगा। दिस इज द डेफिनेशन यू नीड टू लर्न, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से लिखेंगे बताता हूँ, यहाँ आ जाएंगे आप वापसी। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बहरहाल बात एक ही आप जानते हैं। तो हेल्पफुल इन ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल फॉर्मेशन की, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक कर देता है, यानी गुर्बत का जो चक्कर चल रहा होता है, गुर्बत के भी चक्कर चलते हैं आप देखें, गुर्बत का जो चक्कर चल रहा होता है उसको ये ब्रेक कर देता है, उसको ये तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब गुर्बत का चक्कर क्या होता है, बहुत तवज्जो से सुनेंगे तो आपके जहन में इमेजिन करें आप जरा कि भाई पहले बंदा गरीब है, जब गरीब होता है तो उस मुल्क की बात हो रही है ओवरऑल के मुल्क में क्या होता है, बिजनेस की फैक्ट्रीज कम होती हैं, जब फैक्ट्रीज कम होती हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है और प्रोडक्शन भी कम होती है, जब प्रोडक्शन कम होती है तो सेल कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है, जब प्रॉफिट कम होता है तो मुल्क गरीब रह जाता है, अब गरीब रहता था प्रोडक्शन कम जॉब्स कम, प्रोडक्शन कम होती है तो सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है तो गरीब रहता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो गरीब रहता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से घूमते घामते इसी चक्कर में घूमता रहता है, कंट्री गोल गोल घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, तो दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस मनहूस को कहते हैं, क्योंकि ये बुरा होता है तो उसको एक नहूसत से तशबी दी जाती है इस चक्कर को, ठीक है जी। ओके, हेल्पफुल इन ब्रेकिंग विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आपने सुन लिया कि भाई अकॉर्डिंग टू नर्क्स द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी ब्रोकन थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। इन दीज कंट्रीज ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम ऑफ द डिमांड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट आर डेफिशिएंट, दिस डेफिशिएंसी आल्सो अफेक्ट द कैपिटल गुड्स व्हिच कैन इफेक्टिवली बी रिमूव्ड थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन by increasing the supply of machines, equipments and tools is resultantly full utilization of available resources become possible, ठीक है जी। तो सबसे पहला हो गया helpful in breaking vicious circle of poverty, दूसरा है helpful to boost the productivity of all sectors of the economy, यानी capital formation यानी कि investment आना, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो बूस्ट मिलता है हमारी तमाम इकोनॉमीज की, तमाम जो है हमारी एक्टिविटीज को, जब भाई देखें पैसा आएगा, आपने लगान फिल्म अगर देखी हो उसमें सब काले बादलों की तरफ एकदम से देखना शुरू करते हैं, बादल आते हैं, बारिश होती है, सब खुश होते हैं, उसमें एक बैकग्राउंड में सॉन्ग भी चल रहा होता है, शायद आप में से किसी को याद हो। अच्छा, तो इसी तरह जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है तो काले बादलों की तरह होती है, उसके बाद बरसात होती है, वो जॉब्स की सूरत में होती है, और इस तरह पूरा खानदान और जो पूरा मोहल्ला होता है, पूरा गांव और पूरा मुल्क जो होता है वो खुश हंसी खुशी रहना शुरू कर देता है,
यानी किसी भी एक कंट्री की खुशहाली के लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी। अमूमन ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है जिसकी वजह से जॉब्स कम होती हैं और इस तरह के हालात हमारे सही नहीं रहते। ठीक है जी, इसके बाद है लीड्स टू टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है? आज हम देखते हैं कि हमारी जो ट्रेन्स हैं, हमारी जो चीजें हैं, वो चाइना से बहुत पीछे हैं, जापान से बहुत पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी कैपिटल फॉर्मेशन है कि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है। तो क्योंकि उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उनके मुल्क में लोगों को फैसिलिटीज भी वैसी ही है। तो हमारे मुल्क में क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसी के हिसाब से फैसिलिटीज है। तो लीड टू टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब यही है कि भाई अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो टेक्निकलिटीज भी ज्यादा होंगी, लोगों को फैसिलिटीज भी ज्यादा दी जाएंगी। इसके बाद है leads to the expansion of the market. Leads to expansion of the market का मतलब ये है कि जब capital formation होगा ज्यादा तो production ज्यादा होगी, जब production ज्यादा होगी तो expansion भी ज्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा, 18 तारीख से जो है वो फिजिकल क्लास इंशाल्लाह हमारी शुरू हो जाएंगी, तो उम्मीद यही है कि अब ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएंगे दोबारा, क्योंकि अब सर्दी जो सख्त होती है वो दिसंबर से जनवरी होती है, फरवरी में हल्का हाथ रखेगी सर्दी और मार्च में और हल्का, और ये ज्यादा बंद भी नहीं कर सकते ना, यानी तो स्कूल इतने लंबे अरसे के लिए बंद करेंगे तो कभी खुलेंगे ही नहीं दोबारा, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। सर हमारा तो सेशन ही एंड हो जाएगा। हाँ, आप लोगों का तो सेशन ही एंड हो रहा है सबका ना, लेकिन लेट्स होप ये जनवरी लास्ट है ना, एक्सपेक्टेड तो यही फरवरी भी हो सकता है, मैक्सिमम फरवरी होगा, बस फरवरी से मार्च नहीं जाने देंगे हम, भले से आपके पेपर जून में ही क्यों ना हो। अच्छा, leads to expansion of the market. अच्छा, आप लोग जरा चैट में लिख के बताइएगा आपकी अकाउंटिंग कब को लग रहा है खत्म हो सकती है। Help in solving overpopulation problem. देखें, कैपिटल फॉर्मेशन जो है अगर हो किसी कंट्री में तो ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो सकता है। अब जरा आप बताएं कैसे ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट से खत्म हो जाएगा। तो बात ये कि ओवर पॉपुलेशन कहते हैं किसे, पहले ये समझने की जरूरत है। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, जितने रिसोर्सेज हैं उतनी ही आबादी होना। भाई एक आबादी का ज्यादा या कम होना क्या है, मैं जरा आपको समझाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर शहरयार अली हैं हमारे स्टूडेंट, लेट सपोज उनकी शादी हो गई और 20,000 रुपए तनख्वाह है, उनकी शादी एक लड़की से हुई जो उनके ऊपर बेस करती। अब वो उसके अगर खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे तो अभी बच्चे तो हुए ही नहीं है, उसके बावजूद वो बीवी जो है वो भी ओवर पॉपुलेशन में आ जाएगी क्योंकि उसके खर्चे बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है, ये चलो उसके खर्चे बर्दाश्त कर सकता है और बच्चे के नहीं कर सकता, तो अगर एक भी हो जाए तो वो ओवर पॉपुलेशन है। लेकिन एक और हमारे स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पर उनकी शादी हो गई, जिनका नाम है, आज खवातीन ज्यादा है वैसे, तकरीबन खवातीन ही नजर आ रही मुझे क्लास में ज्यादातर, बहुत कम लड़के आ रहे नजर। चलो जी,
तब एक स्टूडेंट है, मिसाल के तौर उसका नाम है जी जमील। अब जमील की शादी हो गई, जमील के रिसोर्स ज्यादा थे, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्स जमील साहब जो है वो 6 बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 8-10 भी पाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, कि दिस इज नॉट ओवर पॉपुलेशन। देखें, एक के घर में 2 बच्चे वो ओवर पॉपुलेशन में काउंट हो रहे हैं, एक के घर में 8 बच्चे भी ओवर पॉपुलेशन में काउंट नहीं हो रहे। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द कैटरिंग ऑफ द एक्सपेंसेस। कि एक बंदा 8 बच्चों के खर्चे बर्दाश्त कर रहा है ना आसानी से, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी से दो का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो ओवर पॉपुलेशन है। तो ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन का मतलब हरगिज ज्यादा आबादी नहीं होता। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज के मुकाबले में अपनी आमदनी का कम होना। नंबर नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे, हेल्पफुल इन सॉल्विंग द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होती है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी नेगेटिव होती है तो हमें अपने पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दूसरों को देने पड़ते हैं। जब हम अपने पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दूसरों को देते हैं तो इस तरह तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होने लगते हैं, जो हमारे मुल्क की करेंसी को डैमेज करते हैं। यानी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम, जो कि हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाटने लगती है ये प्रॉब्लम। दिस इज जस्ट लाइक शुगर इन अ बॉडी। अगर एक शुगर किसी बॉडी में बढ़ जाए तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता खोखला करती है। तो इसी तरह यहाँ होता है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता खोखला करती है। देन व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन? अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि आपकी जितनी जो है कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो वी विल बी इन बेटर पोजिशन टू कैटर ऑल अवर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। हम बेहतर पोजिशन में होंगे अपने एक्सपेंसेस को कैटर करने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद है हेल्पफुल इन अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ फॉरेन डेट। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपके मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे तो आपके सारे इश्यूज खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे, आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाता है, आपको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है जी। इसके बाद हेल्प्स इन रिमूविंग द स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। हेल्प्स इन रिमूविंग द स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो अ स्टडी राइज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन लॉन्ग रन आर्ग्यूमेंट्स द सप्लाई ऑफ गुड्स कंट्रोल्स inflation and brings stability in the economy. Such happens due to considerable increase in output of agricultural products and manufactured consumer goods in response to steady rise in the rate of capital formation. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि भाई removing strains of inflationary pressure। देखें, महंगाई का हमें फील कब होता है? पता है, अगर 2 रुपए किसी शख्स के पास नहीं हो तो उसको 2 रुपए की कमी फील होगी जब उसको जरूरत पड़ेगी और उसके पास पैसे नहीं होंगे। समझ में आ रही बात आपको? गुर्बत का एहसास पैसों के ना होने पर होता है। गुर्बत का एहसास जब नहीं होता, जब महंगाई हो रही होती है। महंगाई का एहसास भी जब नहीं होता, जब महंगाई हो रही होती है। बल्कि महंगाई का एहसास भी जब होता है, जब हमारी जेब में नोट खत्म हो जाता है। और ये बस मन, तो इस हेडिंग में ये बताया गया कि भाई हेल्प करती है रिमूविंग स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जो हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है
उसको रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए भी हमें अगर मदद लेनी पड़ती है इसकी, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। हेलो, आ गए जैन अब्बास साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र से ठीक। कहाँ थे आप, लेट क्यों गए आप? सर शादी का सीजन चल रहा है, मसरूफ हूँ काम। तो यार शादी तो एक ही बार होती है, सीजन मतलब? मतलब सर चीजें वीजे चल रही है ना शादी की। किसकी, तुम्हारी? सर मेरी अभी कहाँ। क्यों यार, उम्र तो हो गई है तुम्हारी यार। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ईडी भी हम पढ़ रहे हैं भाई, काशान भाई, ईडी भी हम पढ़ रहे हैं और ईडीपी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन, एक बहुत ही अहम टॉपिक, उसका अब दूसरा सवाल शुरू होने वाला है। अच्छा, लीड्स इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, कैपिटल फॉर्मेशन इज जस्ट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, क्योंकि जाहिर है कि आप इसमें हेल्प कर रहे होते हैं चीजों की, इट इज जस्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। अच्छा, helpful in raising the level of national income. National income का level बढ़ता है capital formation से, क्योंकि जाहिर है investment आती है, production होती है, sale होती है, profit होता है, तो national income तो बढ़ेगी ना जब profit बढ़ेगा। अगला सवाल है, what are the sources of capital formation? इतने हमने capital formation की इम्पॉर्टेंस हमने डिस्कस करी, लेकिन सवाल यह है कि ये इम्पोर्टेंस होती कहाँ से, इस इम्पोर्टेंस का ताल्लुक कहाँ से? तो इसका जवाब यह है कि भाई इसके देयर सो मेनी सोर्सेस, जो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास है नंबर वन वॉलेंट्री सेविंग। वॉलेंट्री सेविंग क्या होता है? वॉलेंट्री सेविंग का मतलब है कि रजाकारना तौर पर बचत करना, जानबूझकर बचत करना, ताकि पैसे को सेव किया जा सके। जानबूझकर बचत करना ताकि पैसे को क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। ठीक है जी, इसी तरह इनवॉलेंट्री सेविंग, इनवॉलेंट्री सेविंग होती है जो आप जानबूझ के नहीं करते, आप रजाकाराना तौर पर नहीं करते, बल्कि आपसे करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर, हफ्सा है एक हमारी स्टूडेंट भाई, इनको किसी ने बोला नहीं घर पे, लेकिन फिर भी इन्होंने बर्तन धो दिए घर के, ये वॉलेंट्री, यानी कि बगैर किसी के कहे। कंडीशन नंबर टू, हफ्सा को अम्मी ने प्रेशर दिया तब जाकर कहीं बर्तन धोए, दोनों कंडीशन अलग अलग है ना। तो खुद से बर्तन धोना वॉलेंट्री, इसी तरह खुद से सेव बचत करना वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब किसी के प्रेशर में आकर करना। ठीक है ना, अब जाहिर है इसको मैं शॉर्ट भी करवाता हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ये बड़ा। इससे पहले सवाल में थ्री लाइंस पर हेडिंग करेंगे आप और एट हेडिंग्स करेंगे, टोटल 10 आपको पढ़ाई है, याद आपने 10 करनी है, एग्जाम में आपने 8 करनी होंगी, 2 आप इसलिए करेंगे कि हो सकता है आप भूल जाएं। सही है जी। अच्छा, डोमेस्टिक और इंटरनल रिसोर्सेज,
Domestic resources perform a crucial role in capital formation in the country. These resources include the following five heads. Voluntary saving आपने सुन लिया, involuntary saving भी आपने सुन लिया. Government borrowing. Government क्या करती है? Government borrow करती है, उधार लेती है अवाम से. गवर्नमेंट अवाम से किस तरह से उधार लेती है? देखें अवाम जो है ना, अवाम से अगर हम बोलेंगे भाई फी सबीलिल्लाह हमें उधार दे दो, तो अवाम तो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सगी गवर्नमेंट को भी हमारी अवाम उधार देने वाली नहीं. ठीक है जी. तो अब कैसे जो है उधार लिया जाएगा, इसका सबसे जो एक तरीका है वो ये है कि आवाम को दिया जाएगा लालच कि भाई आप सेव करें पैसा, और अगर आप सेव करते हैं तो आपको ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है. यानी कि ऐसे लारे लप्पे देना इसको कहते हैं उर्दू में. तो जब लालच हम देंगे उन्हें तो वो ढेर हो जाएंगे और वो तैयार हो जाएंगे. हाँ जी ठीक है, चलो पैसे बच जाएंगे और पैसे मिल जाएंगे तो ऐसा कर लेते हैं. ठीक है ना. तो इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है. गवर्नमेंट बोरिंग हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड जो इशू होते हैं प्राइस बॉन्ड, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होते हैं. प्राइस बॉन्ड में आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि आप दसियों लाखों में एक बनेंगे जो सिर्फ 40,000 रुपए का बॉन्ड लेगा और उसका 8 करोड़ रुपए का इनाम निकलेगा. अच्छा, स्टेट बैंक जो है ना, वो जैसे बच्चों के साथ जो दुकानदार छोटे छोटे गली मोहल्ले वाले करते हैं ना, लॉटरी में अच्छी अच्छी चीजें दिखा के उनसे पैसे लूट रहे होते हैं, और पर्चियों में सिर्फ यही लिखा होता है दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें. मैं भी बचपन में बहुत लूटा हूँ इस तरह, दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें. ठीक है. तो इसी तरह गवर्नमेंट भी आवाम को लूटती है बच्चा समझ के. वो बॉन्ड खरीदते हैं, नहीं निकलता उनका, सारे नाम उनके अपने निकलते हैं, और आवाम बस इसी पे लगी रहती है कि दोबारा कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें. मैं अभी ऊपर करता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें. ठीक है ना. अफसा बेटा, मैं तुमसे ज़्यादा 1.5-2 महीने बड़ा हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ डिफरेंस नहीं है. मेरा आपका बचपन एक ही बात है बेटा. खैर, बस थोड़े बाल मेरे सफ़ेद होने लगे हैं, बुढ़ा तो नहीं हो रहा, मैं अभी बच्चा हूँ. खैर, अब जो है ना, डिवीजन ऑफ आइडल रिसोर्सेज, यानी कि जो आइडल रिसोर्सेज हमारे पास ज़मीन वगैरह फिर ये, उसको हम क्या करें? अगर किसी को हम यूज़ करने के लिए देते हैं, उससे पैसे ले लें, तो वो भी हमारे मुल्क के लिए कैपिटल फॉर्मेशन साबित हो जाएगी. इसके बाद है डेफिसिट फाइनेंसिंग. सर देखें सनिया क्या बोल रही है, आप जरा देखें तो. सर इन्होंने आपको आज क्या बोला है देखें. मैं बताऊंगा इसको, मिलके बताऊंगा. हाँ सर, ये हम फिजिकल में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी 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 जी. तुम जान के दिखा दो. और ठीक है सर, मैंने हाईलाइट करा दिया है, फिर हम बाद में बात करते हैं. हाँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है. होते ना तो मैं बहुत अच्छा सा जवाब देते हो. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अपने पास, मैंने नोट कर लिया इसको. सही है ना. तो सर, मैं आपको याद दिला दूंगी. वी विल हैव अ सेपरेट क्लास ऑन दिस इशू ना. ठीक है. या ठीक है सर, हम आपको याद दिला देंगे. ओके ओके. चलो सर, आज स्पेसिफिक क्लास आप लेते नहीं है आज कैसे? देखा, ये तुम्हारे भाई आप नहीं लेते. असल में मुझे लग रहा है जैन जो है ना शादियों में लगा हुआ है ना आजकल, इसमें उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए इसने ऐसा सवाल कर दिया. और कोई बात नहीं,
क्योंकि हमारी तो जब से ऑनलाइन हो रही है, बल्कि ऑनलाइन हो या फिजिकल, हमारी आज के दिन इसी टाइम क्लास होती है अमूमन। सर फिजिकल में भी आप यही कर लीजिएगा कि एक ही दिन में दोनों पढ़ा लें, फिर थर्सडे को ऑफ दे दें, क्योंकि हम लोग को पूरा वीक ही आना होता है। क्या बात कर दी आपने, कितनी अच्छी बात करी है, बिल्कुल आपने साल के आखिरी में कर दी, लेकिन लेट नहीं कर दिया आपने कुछ। सर पहले किसी ने सुनी नहीं, हमने तो बहुत कहा था सर ये कोचिंग में, लेकिन किसी ने कोई एडजस्ट नहीं हमारी करवाई सुनता ही जी। नहीं है सर। देखें मैं हूँ एक मासूम आदमी, आपकी सुन रहा हूँ, देखें आप चुपचाप। मैनेजमेंट को बस हमने सर बहुत आप ही कहा बहुत था। अजीज हैं। ठीक। देखो ये बुशरा के भी दिमाग खराब हो रहा है, बुशरा के दिमाग पर असर कर रही है, मुझे सर्दी मुझे लग रहा है, यस सर, कमजोर है इनको ना। गाने सूझ रहे हैं। नहीं वो कमजोर है बेचारी, थोड़ी इसको इसकी सर्दी ज्यादा लग रही होगी, और कोई बात नहीं। खैर सर ये बोलेंगी नहीं ना। खैर आगे चलते हैं। द डिविजन ऑफ फाइनल रिसोर्सेज बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि हम दूसरों से उधार लेकर फाइनेंसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो उधार लेकर हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं। देखें कि अपनी जेब से बिजनेस में लगाना वो फिर भी बेहतर होता है, लेकिन उधार लेकर बिजनेस में लगाना दैट इज वेरी डेंजरस। खैर अब इसको ऊपर करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले हजरात तैयार हैं जरा, ले जी स्क्रीनशॉट नंबर वन। इसमें मैं बताता भी जाऊं कि सिर्फ डेफिनेशन जो हाईलाइटेड है वही करनी है, ठीक है, बाकी नहीं करना। अच्छा इंपॉर्टेंस शुरू हो गई, इंपॉर्टेंस में तीनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है जी, तीन के बाद ये बाकी तीन पॉइंट, इसको शॉर्ट शॉर्ट मैं खुद ही कर देता हूँ, ये इसको ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए आपकी मदद के लिए इसको इतना कर देते हैं। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, ये सिर्फ दो ही लाइनें लिखेंगे, इसमें बहुत हो जाएगा, इसमें भी सिर्फ चलें दो लाइनें कर लें। ठीक है इसमें थ्री लाइंस करनी होंगी, क्या सर दोबारा ऊपर कर दें एक दफा। मसला है भाई, ऐसा नहीं करें भाई, बस बहुत हो गया है, आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना सीखें, और ऊपर यस सर। और बस सर बस। पॉइंट फाइव पूरा है सर। जी चैट से बिला वजह चैट से परहेज करें, सोर्सेज ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वॉलंटरी सेविंग फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक अच्छा जी, इन्वेंटरी सेविंग भी जो ज्यादा लग रहा है मुझे वैसे तो,
ठीक है जी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पूरा होगा, ये पूरा एक्सटर्नल रिसोर्स, एक्सटर्नल जो मुल्क से बाहर है, बस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड प्रोग्राम होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड एजेंसीज होती हैं, इस्लामिक बैंक्स, आपको पता है जहां जहां हम हाथ फैलाते हैं जाके भीख मांगते हैं। सर जी बोलिए। इंटरनल रिसोर्सेज ये पूरे पांच करने। जी पूरे करने, पूरे, और एक्सटर्नल भी जरा सा ही है, इंटरनल थोड़ा ज्यादा होता है, अक्सर इंटरनल अकेला भी आ जाता है वैसे तो। ओके okay।